गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सचिन कुमार साहब आपके सामने अपना एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे IARI और ICAR, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक, क्यों स्टार्ट किए गए थे, कब स्टार्ट किए गए थे, किसके द्वारा स्टार्ट किए गए थे, ठीक है, इनका पर्पस क्या था स्टार्ट करने का। सबसे पहले हम बात करेंगे IARI, इसका फुल फॉर्म होता है इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सबसे पहले यहां पे 1905 के बारे में बात करें, यहां पे 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, उस टाइम पे 1905 में लॉर्ड कर्जन जो थे वायसर आए थे, ठीक है, इन्हीं के मतलब कि ऐसे कह सकते हैं कि इन्हीं के शासनकाल में जो है कि 1905 में पूसा बिहार में, समस्तीपुर बिहार में जो है कि 1905 में IARI इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी, ठीक है, और उस टाइम पे जो ये लॉर्ड कर्जन थे इन्हीं के शासनकाल में इसका स्थापना हुई थी, ठीक है। कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा स्टार्ट हुआ था। फिर अगर हम इसकी बात करें कि इसको ज़मीन वगैरह किसने दी, लैंड वगैरह, भाई अगर किसी बिल्डिंग का हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, या स्टेबलाइज करते हैं, उसके लिए जो है कुछ लोन वगैरह दिया जाता है उसको, तो इसे जो है कि किसने जो है कि किसके योगदान में ये सारी चीज़ें या इंपीरियल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट का जो है कि स्थापना हुई थी, उस टाइम में एक यूएसए के हेनरी फिलिप्स थे, ये यूएसए के थे, ठीक है, या हम कह दें कि ये एक समाज सेवी थे। इन्होंने 1905 में क्या दिया था, 30,000, ठीक है, $30,000 का जो है इन्होंने डोनेशन किया था। किसको दिया था? लॉर्ड कर्जन को दिया था। इन्हीं के द्वारा जो है कि IARI की स्थापना, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी 1905 में, ठीक है, और उस टाइम पे जो है 1901 से लेकर 1905 में, 1901 से लेकर 1905 में कुछ एग्रीकल्चर कॉलेज भी खोले गए थे, ठीक है, और वो कौन कौन से थे? सबसे पहला आपका था कानपुर में खोला गया था, फिर है आपका पुणे में खोला गया था, फिर है आपका सागौर जो भागलपुर में है, फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे तीन कॉलेज हो गए, फिर है आपका लयालपुर पहले पंजाब में था, और अभी शहर में कहाँ पे है ये पाकिस्तान में है, ये स्टाइल में कहाँ है, पाकिस्तान में, ठीक है, और नेक्स्ट कौन सा है आपका, कोयम्बटूर समझ में, ठीक है, ये पांच कॉलेज थे, एग्रीकल्चर कॉलेज थे जिनकी स्थापना हुई थी 1901 से लेकर 1905 में, ठीक है। फिर पूसा बिहार में जो है कि 1934 में क्या हुआ कि अर्थक्वेक आया, 1934 में 1934 में अर्थक्वेक आया, वहाँ भी जब अर्थक्वेक करवाया था, उस टाइम पे ये निकाल गया कि वहाँ की जो सारी बिल्डिंग थी इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बिहार में जो बिल्डिंग थी वो क्या हुई, पूरी तरीके से पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। जब डिस्ट्रॉय हो चुकी तो वहाँ पर चुकी एक कमेटी वगैरह बनी थी कि कैसे जो है कि अब इसको ऐसी जगह स्टेबलाइज किया जाए कि जहाँ पे ऑलरेडी वो राज्य जो है ऑलरेडी एक डेवलप मतलब कि डेवलपमेंट हो चुका हो उसका या विकास हो चुका हो, ठीक है, इसीलिए जो है 1936 में न्यू दिल्ली में जो है इसकी स्थापना हुई यहाँ पे पूसा, ठीक है, और कहाँ पे हुई थी, पूसा कैंपस में जो हुई थी, ठीक है, इसको जो है कि पूसा कैंपस के नाम से ही इसको हम जानते थे, इसको हम न्यू दिल्ली में 1936 में सेट कर दिया गया था, न्यू दिल्ली में पूसा कैंपस के नाम से जो है कि इस नई बिल्डिंग को जाना जाता था, जो ये न्यू बिल्डिंग बनी थी इसको जो है कि
1936 में पूसा कैंपस के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। अब इसकी हम बात करें, इसको जो है कि 1946 में इसका नाम कब चेंज हुआ था, 1946 में इसका नाम हुआ था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना गया, ठीक है। और इसी को जो है 1958 में डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम से डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया था, ठीक है। अब यहां तक हम इसकी बात कर लिए हैं IARI की। अब यहां पे हम बात करते हैं 1905 में, ठीक, वो सॉरी, अब हम बात करते हैं यहां से ICAR के बारे में। ये हमारा हो गया यहां तक, आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 1926 की, थोड़ा बैक जाते हैं, तो ICAR का नाम हो, अब यहां पर लेते हैं ICAR, ठीक है, ICAR। अब यहाँ की हम बात करें 1926 में लॉर्ड लिनलिथगो के उस टाइम पे क्या थे, ये वायसराय थे, ठीक है, एग्रीकल्चर के। उस टाइम पे इन्होंने एक रिपोर्ट गठित करी गई थी, रिपोर्ट का नाम था रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, ठीक। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1928 में यह रिपोर्ट जो है कि सौंपी गई, ठीक है, 1928 में यह रिपोर्ट क्या हो गई, सबमिट कर दी गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि 16 जुलाई 1929 में इसका क्या हुआ, गठन हुआ। 16 जुलाई 1929 में इसका क्या हुआ, गठन हुआ, ठीक, यहां पर समझ में आ गया। अब इसकी अगर बात करें क्वेश्चन पूछता कहां से है, सबसे पहले 1926 में कौन सी कमेटी के द्वारा जो है कि गठित किया गया था, जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिलेगा रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, और ये पूछ रहेगा इसका जो है गठन कब हुआ था, 16 जुलाई 1929 में, ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। या फिर जो अगर हम IARI की बात करें कि उसका नाम क्या था, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके हम बात आगे बात करें तो इसका जो है इसका गठन जो है किस कमेटी के द्वारा हुआ था, इसकी बात हम कर लेते हैं, अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है, अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट, अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा जो है 16 जुलाई 1928 को इसका गठन किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे जो है कि ICAR का नाम क्या था, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जो है कि इसका जो 1946 में इसका नाम चेंज किया गया था, कब चेंज किया गया था, उसके पहले हो जब हम IARI की बात कर रहे थे उस टाइम पे क्या था, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट थे यहाँ पे। अब यहाँ पे आता है 1946 में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं 1946 इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक, ये क्या है? इट इज अ ऑटोनॉमस बॉडी। ये भी क्वेश्चन कब पूछता है आपका? इट इज अ ऑटोनॉमस बॉडी। ठीक है, ये हो गया। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करें इसका जो है कि अधिकार किसके होता है, ठीक है, या इसके किसके अंडर में काम करता है। ठीक है, ये है डीएर, इसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, इसकी जो गति है, यह जो डीएर है, डीएर कब स्टेबलाइज हुआ था? 1973। इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं, क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ये हो गया। अब इसके बाद ये इसकी स्टेबलाइज को, ये स्थापना कब हुई थी? 1973 में। ठीक है, सॉरी। अब इसको जो है, ये जो है, जो डीआर है, जो एग्रीकल्चर अपना आईसीएआर है, आईएआर है, ये किसके अंडर में काम करता है? ठीक है, अगर हम इसकी बात करें किसके अंडर में काम करता है, तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है। ठीक है, अगर हम यहाँ तक तो हमें पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, अगर जब ये 1905 में सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे अगर हम बात कर लें कि इसका जो, इसको एक क्या बोलते हैं उसे, जो मालिक होता है, जो डायरेक्टर जनरल होता है, जिसको हम बोलते हैं डीडीजी, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल। ठीक है, वो इसका जो मालिक होता है भाई, जैसे कि घर में एक परिवार का एक मालिक होता है, जैसे हमारे पिताजी हो गए। ठीक है, तो क्या है, एज लाइक अ हेड, हेड ऑफ द फैमिली। तो इसीलिए कह सकते हैं इसको जो है कि हेड ऑफ द आईसीएआर। ठीक है, कौन है यहाँ पे जो पहले थे? डॉक्टर बी पी पॉल, जो इसके फर्स्ट डीडीजी, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल। कौन थे यहाँ पे फर्स्ट डीडीजी? थे डॉक्टर बी पी पॉल थे। ठीक है, और इस टाइम पे प्रेजेंट में कौन है? 2022 में आप सभी लोगों को पता होगा, प्रेजेंट में कौन है? उनका नाम है त्रिलोचन महापात्रे, महापात्रे। ठीक है, अगर हम उसकी बात करें, जो इसका प्रेसिडेंट होता है, जो आईसीएआर का, या हम बात कर लें आईएआरआई के, इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते हैं? एग्रीकल्चर के जो अध्यक्ष, वो जो आईएआरआई आईसीएआर के जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो कौन होते हैं? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री होती है। ठीक है, अब एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन होता है? कृषि मंत्री होता है। कृषि मंत्री आपका वो स्टेट का नहीं होता है, एग्रीकल्चर जो होता तो है, लेकिन जिसका प्रेसिडेंट होता है वो होता है आपका सेंट्रल का होता है। ठीक है, उस टाइम पे कौन थे आपके जो प्रेसिडेंट थे? और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे आपके, थे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे मोहम्मद हबीबुल्ला, मोहम्मद हबीबुल्ला। अब प्रेजेंट की हम बात करें 2022 में, ठीक है, प्रेजेंट की हम बात करें 2022 में कौन है? इस टाइम पे है नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, यहाँ तक भी समझ में आ गया, नरेंद्र सिंह तोमर से यहाँ तक आए हो, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे कुछ और नई चीजें हम बात कर लेते हैं, जैसे कि यह पूरा आईसीआर हो गया। ठीक है, और न्यू दिल्ली में जो है इसे शिफ्ट किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि वहाँ पे ये देखा गया था कि कौन सी ऐसी जगह है न्यू दिल्ली में, इसलिए हम वहाँ पे मतलब इसको चूज़ किए थे कि हाँ, ये न्यू दिल्ली जो है राज्य है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है वो,
वहाँ पे इसलिए सेट किया गया था कि वो ऑलरेडी जो है कि डेवलपमेंट हो चुका था, वहाँ पे दिल्ली का डेवलप जो है उस टाइम पे हो चुका था, ठीक है। इसीलिए जो है वहाँ पर दिल्ली में इसको सेट किया गया था, ठीक है। और उसी में अगर थोड़ा हम और बात करें, जैसे 1946 में आ गए, 1958 में भी हम यहाँ पे आ गए थे कि यार डीम यूनिवर्सिटी के नाम से इसको जाना गया था, जिसको हम पूसा कैंपस भी कहते थे, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कि 1960 में, ठीक है, 1960 की बात करें कि उत्तर प्रदेश में फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, कब स्टार्ट की गई थी, 1960 में, कहाँ पे स्टार्ट की गई थी, यूपी में, ठीक है। अब यूपी में उसका नाम क्या था, गोविंद, ऐसे बात कर रहे हैं, 1960 में देखें तो 1960 में जो गवर्नमेंट थी, वो मुख्यमंत्री थे, जो चीफ मिनिस्टर थे हमारे उत्तर प्रदेश के, उनका नाम था पंडित गोविंद वल्लभ पंत। उन्हीं के नाम पर जो है कि 1960 में फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है कि आपकी स्टार्ट की गई थी, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और अब उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी कहाँ पे, अब डिवाइडेशन हो गया तो उत्तराखंड में हो गई है, ठीक। उसका पूरा नाम है गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत है ना, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ठीक है, 1960 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक, आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।